का है। तीसरा ये कि एक आदमी सोचे ठीक है, मेरे दुनिया में कई दुश्मन है, दुनिया में कितना भी अच्छा आदमी हो दुश्मन उसके होने वाले हैं, अच्छा हो या बुरा हो नबी के भी दुश्मन होंगे, बेदुश्मन दुनिया में कोई आदमी रह सकता नहीं। हरदिल अजीज नहीं बन सकता है, वो एक दिन बनेगा दूसरे दिन दुश्मन बनेंगे, गलत आदमी ये उसको भी हाँ बोलता है उसको भी हाँ बोलता है, आज नहीं तो कल दुश्मन बनेंगे आपके। लेकिन आदमी क्या करता है, हर वक्त फिक्र में रहता है, मालूम नहीं वो मेरे खिलाफ क्या साजिश बरत रहा है। अच्छे लोग परेशान होते हैं, बिगड़ते हैं, बदखलाक बनते हैं, क्यों? ये सोच सोच के कि मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप ये सोचो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बताया है कि बुरा मकर मकर करने वाले पर ही लौट आता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वह इन तस्बिरु व तत्तकु ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, अगर तुम सब्र करो और तकवा के रास्ते पर चलते रहो तो उनकी चालें तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कितना भी कोई चाल आपके खिलाफ चले आपका दुश्मन, जब तक कि अल्लाह ताला वो होने न दे वो होगा नहीं। अल्लाह आपकी हिफाजत करना चाहे सारी दुनिया के दुश्मन मिलके भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सारे दुनिया भर के एक्सपर्ट चालबाज बुलाएं और आपके खिलाफ चाल चलें, अल्लाह नहीं चाहता आपको नुकसान हो, कुछ नहीं कर सकते। सारे जादूगर मिलके क्या बिगाड़ लिए मूसा अलैहि सलाम का, कुछ कर सके नहीं। एक आसा सबको निकल गया, अल्लाह जो चाहता है करता है। अल्लाह फरमाता है, वला यहीकुल मकरु सय्यु इल्ला बि अहली, बुरी चालबाजी करने वालों की चालबाजी उन्हीं पर लौट आती है, अक्सर होता है ऐसा, देखने में आता है। ये तो जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है, कब्र खोदता है, खुद उसी में गिर जाता है। लिहाजा आदमी देखे मेरे खिलाफ 50 लोग चालबाजी कर रहे, करने दो, जो मुझको मालूम पड़ेगा मैं बचने के लिए कुछ कर सकता करूंगा, नहीं मालूम अल्लाह मेरा मालिक है, अल्लाह मेरा मुहाफिज है, बुरी चाल उसी का वबाल उसी पर पड़ता है। लेकिन खामखा आदमी सोचता रहे, परेशान हो, मालूम नहीं क्या होगा, मालूम नहीं क्या होगा, मेरे दुश्मन मालूम नहीं क्या कर रहे मेरे खिलाफ, हो सकता है वो सो रहे हैं, हो सकता है कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये क्या अपने घर में बैठ के परेशान हो रहा है। तो आदमी इस तरह से फिक्र न करें, दुश्मनों को उनके हाल पर छोड़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले करें, अल्लाह पर इतमाद करें। और इस हकीकत को याद रखें कि जिंदगी में अक्सर जो लोग साजिशें करते हैं वो खुद अपनी साजिशों का शिकार होते हैं। अक्सर जो दूसरों को जलील करने के लिए कोशिशें करते हैं अपनी इस कोशिश में खुद जलील होते हैं। तो आप खामखा टेंशन मत लो, उसको अल्लाह के हवाले करो। अल्लाह ने क्या फरमाया, अगर तुम सब्र करोगे और तकवा के रास्ते पर चलोगे उनकी चाल नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आदमी दुश्मनों की वजह से बेसब्रा ना हो जाए, दुश्मनों की वजह से वो तकवा का रास्ता न छोड़े, दुश्मन के रास्ते पर वो न चले, बदअखलाकी पर न उतरे, शर पे न उतरे, वो अपना रास्ता खुद चले। गलत रास्ते पे चल के अल्लाह की मदद नहीं ले सकते आप, अल्लाह की मदद लेने के लिए आपको सही रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो दुश्मन चाहे कितनी चालबाजी करें, जब तक अल्लाह न चाहे कुछ नहीं हो सकता।